नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सर्दियों के मौसम में भी त्वचा का ध्यान उतनी ही सतर्कता से रखना चाहिए जितना हम गर्मियों और बारिश के मौसम में रखते हैं। हालांकि सर्दियों में सबसे ज्यादा त्वचा के ड्राई होने का खतरा रहता है, मगर ड्राइनेस के साथ साथ त्वचा में टैनिंग की समस्या भी इस मौसम में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। खासतौर पर इस मौसम में गर्दन पर टैनिंग हो जाती है और इसके बहुत से कारण होते हैं। सर्दियों के मौसम में गर्दन पर होने वाली टैनिंग को कैसे कम किया जा सकता है, इसके कुछ आसान उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्यों होती है सर्दियों में गर्दन पर टैनिंग? अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से त्वचा पर टैनिंग शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, गर्दन पर टैनिंग इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि शरीर के कुछ भाग इनएक्टिव होते हैं और इस वजह से वह जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप त्वचा से वूलन कपड़े डायरेक्ट टच करते हैं तो भी त्वचा में ड्राइनेस होने लग जाती है। इस ड्राइनेस की वजह से भी त्वचा में कालापन आने लगता है। गर्दन की टैनिंग को दूर करने के उपाय, बेसन और दही का उपटन भी आप गर्दन की टैनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपटन को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी गर्दन पर लगाकर गर्दन का कालापन कम कर सकते हैं। शहद, चीनी और नींबू का स्क्रब, इस स्क्रब को आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, केवल 2 मिनट तक ही गर्दन को स्क्रब करें। मलाई और केसर, मलाई और केसर का उपटन 15 से 20 मिनट तक आप अपनी गर्दन पर मसाज करें। इससे आपकी त्वचा की ड्राइनेस कम होगी और दूसरा, गर्दन का रंग साफ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।